生命要来处कहते हैं बाग को हमेशा पानी मिलेगा तो बाग हरा भरा रहेगा और बाग को हमेशा पानी नहीं मिला, एक दिन पानी पिला महीनों तक नहीं मिला तो फिर ये बजाय बाग के घासिया बन जाता है, इस अंदर पता नहीं सांप बिच्छू के बसेरे हो जाते हैं, आगे चलकर जंगल भी हो जाता है, इसको पानी नहीं मिला है। ऐसे हमारा काम जो है ना वो तसलसल चाहता है, छोड़ पकड़ नहीं, छोड़ पकड़ से दुनिया के काम भी नहीं बनते हैं। अभी एक दिन दुकान खोले महीनों तक नहीं खोले बताओ क्या होगा, तो छोड़ पकड़ से तो दुनिया जैसा काम नहीं होता। तो दीन का काम ये तो बहुत ऊंचा काम है, नबियों वाला काम है, मासूमी का काम है, महफूजी का काम है, इसमें अल्लाह ने आलम की इंसानियत की हिदायत को छुपाया, ऐसा काम है आलम की इंसानियत। ये तो अल्लाह ने इस पर पर्दा डाल दिया है, जैसे बहुत सारी चीजों पर अल्लाह ने पर्दा डाला है, भाई जुमा के दिन एक घड़ी है जिसमें दुआ कबूल होती है, अल्लाह ने पर्दा डाल दिया। भाई पहली सब में नमाज पढ़ना इसके अजर पर अल्लाह ने पर्दा डाल दिया, अल्लाह ने पर्दा डाल दिया। ऐसे बहुत सारे चीजों पर अल्लाह ने पर्दा डाल दिया है, अल्लाह ने इस मेहनत पर पर्दा डाल दिया है। इस मेहनत में अल्लाह पाक ने आलम की इंसानियत की हिदायत को अल्लाह ने छुपाया है। हमारे उम्मत के सारे मसाइल का है इसमें, इसके ज्यादा तस्करे मत करो। हज़रत उमर फरमाते रजी अल्लाह ताला अन्हु कि बातिल को खामोशी से मारो, और मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं शर का तस्करा जितना करोगे शर बढ़ेगा घटेगा नहीं, इसके तस्करे मत करो। जो आप जैसे आजकल हम करते हैं, शर का तस्करा जितना करोगे शर बढ़ेगा, बातिल को खामोशी से के साथ मारो, करने के काम करो तो नहीं करने के कामों से अल्लाह बचा लेगा इंशाअल्लाह, करने के काम नहीं करोगे तो फिर नहीं करने के काम करने ही पड़ेगा। हजरत फरमाते थे हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह, नहीं करने के काम नहीं करने ही पड़ेगा, कि करने के काम अल्लाह ने दिया है, एक एक अमल बहुत बड़ा समंदर है, इसको मामूली नहीं है, एक एक अमल इसे इसमें अपने आप को लगे रहना अपनी जान से। इसे माना नहीं गया सर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि किसी चीज को उम्मत पे चलाना है तो तीन काम करो, अल्लाह उसको उम्मत पे चला देंगे, अल्लाह चलाएंगे। तीन काम करो, अपनी जान से करो, कोई करे ना करे मत देखो। हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि कोई क्या करता है मत देखो, मुझे क्या करना है, कोई करे ना करे अपनी जान से करना। तो कहते साथियों को तरगीब दो, इसलिए हमारे एक बुजुर्ग थे शाकायु काजी साहब अब्दुल्ला, जो तबलीग में किसी को तनख्वाह नहीं देते है, हमारा काम तो तरगीब ही कहते थे, तरगीब ही से चलेगा, साथियों को तरगीब देना। और तीसरा कहते थे अल्लाह से मांगना, ये सब अल्लाह ताला जो है ना इसको इंशाअल्लाह उम्मत में चला देंगे, अल्लाह चला देंगे। तो अल्लाह ने हमें बहुत बड़ा काम दिया है जिससे हमारे उम्मत के सारे मसाइल, एक बुजुर्ग ने इंतकाल से पहले तीन खत लिखे हैं, ये हमारे सूरत में आराम फरमा रहे हैं, तीन खत लिखे इंतकाल से पहले, और इस एक खत में लिखा था कि हमारे उम्मत के सारे मसाइल इनका घर के नमक के कंकर से लेकर जन्नत अदन तक के सारे मसाइल का हल अल्लाह ने इस काम में रखा है, अल्लाह ने ऐसा काम हमें अता करना है। लेकिन यदि इसको तसलसल के साथ करें, तसलसल करें, छोड़ पकड़े, हमारा मसला है ना छोड़ पकड़ का है, इसे नतीजा नहीं आता। ये वाके वहाँ परसों पहले जितने कष्ट करते थे उतनी याद करते हैं,
बरसों पहले जो जमातें चलती थी वही आप चलती है, तो छोट पकड़ से मेरे काम नहीं होता है, इसलिए इसको करना अपनी जात से करें, साथियों को तरगीब दें और अल्लाह ताला से मांगे। एक एक अमल बहुत बड़ा समंदर है, इसको करना। एक एक अमल हमारे हाफिज पटेल साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि ये गौर व फिक्र का जो अमल है ना मामूली नहीं है, रोजाना बैठो गौर व फिक्र करो, क्या करें कैसे करें क्या करें। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह अपने दोनों हाथ दोनों रानों पर मांगते थे, या अल्लाह मैं क्या करूँ, या अल्लाह मैं क्या करूँ, या अल्लाह मैं क्या करूँ। अल्लाह ने कर काम जो है वो पूरण का है, फिक्र का है, जलन का है, क्या करें कैसे करें क्या करें। इतना बड़ा मजमा मस्जिद के बाहर है, इसे कभी अल्लाह तौफीक दे दें। हमारे मौलाना इस्माइल साहब कहते हैं कि हमने सलाम फिरा कर कभी पीछे भी देखा है कि कितने लोग मस्जिद में आए, कितने लोग मस्जिद में आए, हमने नहीं देखा। इतना बड़ा मजमा मस्जिद के बाहर है, हमारी पूरण पर हमारी फिक्र बदले क्या करें कैसे करें। इतना बड़ा मजमा मस्जिद के बाहर है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा की नमाज में एक सहाबी नहीं आया, एक सहाबी। मैं कहता हूँ कि सारी सोचने की बात है कि आपकी नज़र कैसी नज़र होगी, कैसे पता चल गया, हजरत उमर को कैसे पता चल गया कि फना आपकी सुबह की नमाज में नहीं आया, कैसे पता चल गया। कहते आदमी जिसको काम बनाता है ना उस काम उस रास्ते की सुई भी नजर आ जाती, सुई तो जिससे कोई सरोकार नहीं, कहते उस रास्ते का पहाड़ भी नजर नहीं आता, तो सुई नजर आ गई। तो माने रजी अल्लाह ताला उन्होंने फजर में एक साथी नहीं आया, एक साथी। और फिर आगे क्या लिखा, यूं लगता है उस अंदाज तो उसी दिन आप उनके मकान पर गए, उसी दिन गए, गर्गे की मुलाकात ऐसी नहीं, उसी दिन आप उनके मकान पर गए और थे ही वालिदा मौजूद थी, अभी सुलेमान सुबह में दिखाई दे दिए, क्या बात है सुलेमान, उसी दिन। तो कैसी नजर होगी, एक आदमी जुमा में एक आदमी नजर, एक सहाबी नजर नहीं आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के बाद निकले, ये सीखने का है, ये जुमा के बाद निकले तलाश करने के लिए। तलाश करते 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 वो सहाबी मिल गए, ताकि मां आज आप जुमा में दिखाई दीजिए, क्या बात है, क्या नबी अल्लाह ने जुमा के लिए आ रहा था और मेरे जिम्मे किसी यहूदी का कर्ज था, उसने मुझे पकड़ लिया तो मैं जुमा में नहीं आ सका। एक की फिक्र करना ये, एक की फिक्र लगे हमारी फिक्र बने, करने के काम ये है अपने वक्त को जाया नहीं करना। में थे तो हम हजरत मौलाना जुबेर साहब रहमतुल्लाह अलैह की दुआ में हमेशा अक्सर सुनते थे, आप दुआ मांगते थे, या अल्लाह वक्त को जाहिर करने से, वक्त को जाहिर करने से तो जिंदगी बर्बाद करने से, अल्लाह तू हमारी हिफाजत करना, और वक्त जाहिर ना हो, जरा अपने वक्त की निगरानी करनी चाहिए हमारे साथियों को, हम सबको वक्त की निगरानी करनी चाहिए, हमारा वक्त कहाँ लग रहा है, कहाँ लग रहा है, लगने की जगह क्या है, नहीं लगने की जगह क्या है, क्या होगा। इसके लिए ना हमारा वक्त जो है ना, हमारा वक्त या तो दावत के तकाजों पर लगे, या तो हमारा वक्त जो है ना वो मस्जिद में लगे, मस्जिद में लगे, हमारा वक्त जो है दावत के तकाजों पर लगे, हमारा वक्त मस्जिद में लगे, हमारा वक्त जो है ना इबादत के अंदर लगे, हमारा वक्त जो है ना वो अपने घर में लगना चाहिए, अपने आप को घर में भी बिठाओ, अपने बीवी बच्चों को लेकर बैठो, अपनी माँ बहनों को लेकर बैठो, अपने मासूम बच्चों को लेकर बैठो, इनकी तरबियत करो, इनकी हमारी जिम्मे इनकी तरबियत है, हक औलाद के हुकूक है, औलाद के हक माँ बाप पर है, इस पर एक हक है, अपनी औलाद की तरबियत करो, इसके लिए घर में बैठना पड़ेगा, अपने आप को घर में बिठाओ, अपने बीवी बच्चों के साथ बैठो, बीवी बच्चों के साथ इनकी तरबियत करना, इनको दीन सिखाना। इसे जो कुरान करीम में है, अपने आप को अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। तो
तो उनका है हजरत अली फरमाते रजी अल्लाह तआला हो, इससे मुराद है अपने घर वालों को दीन सिखाओ। घर वालों को दीन सिखाना है तो घर में जरा अपने आप को जमाना पड़ेगा, अपनी तरतीब जो है ना सही करनी चाहिए। ऐसे ही खाया के बाहर, खाया के बाहर, खाया के बाहर जी, और कमाना कमाना कमाओ, इससे इनकार नहीं, लेकिन कमाने की भी तो हद है, कमाने की भी तो हद है। तो घर घर में घर वालों को दीन सिखाना हमारी जिम्मेदारी है। कहते कयामत के दिन का सबसे बड़ा मुजरिम वो है, कौन है? कयामत के दिन का सबसे बड़ा मुजरिम वो है जिसने अपने घर वालों की आखिरत का कोई फिक्र नहीं किया, कोई फिक्र नहीं अपने घर वालों की आखिरत का, कोई फिक्र नहीं, किसी घर के हालात का कुछ पता नहीं है, घर में नमाजों का क्या हाल है नहीं पता है, मेरे घर की दर को दीवार दरो दीवार अल्लाह का नाम सुनने की प्यासी है, मेरे घर में अल्लाह की याद नहीं हो रही है, हमारा मेरा घर कुरान की तिलावत से वीरान है, खाली है। जिस घर का कुरान नहीं पढ़ा जाए तो लिखा किताब में उसमें शैतान घुस जाते हैं, घुसने का लफ्ज है किताब में, उस घर में शैतान घुस जाते हैं, उस घर में शैतान घुस जाते हैं। मेरा घर कुरान की तिलावत से वीरान है, मेरा घर तालीम के हल्कों से खाली है, तालीम का घर जो घरों में दीन के आने का बेहतरीन रास्ता है, घरों की तालीम। इसलिए फरमाते हैं कि जिन सुराख से, बहुत सारे सुराख हैं, जिन सुराख से हमारे घरों में बेदीनी आई है, बातिल आया है, बेदीनी आई बातिल आया, ये तालीम जो है ना घरों की, ये सुराख को इंशाल्लाह बंद कर देगी, घरों की तालीम उस सुराख को इंशाल्लाह बंद कर देगी। तो हमें जरा तन्हाई में सोचना चाहिए, मेरे घर में, मेरे घर में तालीम का क्या निजाम है, मेरा घर वालों के साथ रहना कैसा है, कैसा है। तो अपना औकात को मेरे दोस्तों अपना औकात कैसे घर में लगाना, या तो दावत के तकाजों पर, या तो मस्जिद में, या तो घर में, तीन तो चौथा भी का बकदरे जरूरत हलाल कमाने, बकदरे जरूरत, बकदरे जरूरत, कैसे कमाओ कमाओ, ए सुबह से कमाए गए गए तो पता नहीं रात आओ, रात हो गई आए तो बच्चे भी सो गए हैं, बूढ़े माँ बाप भी सो गए हैं, अब खाना खाया और सो गए, इससे हमारे बुजुर्ग है बड़े कहते अपने घरों को होटल मत बनाओ, हमारा घर, हमारा घर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती का घर है, अपने घरों को होटल मत बनाओ। होटल बनाने के माने ये है जैसे होटल में आदमी जाता है, थका हारा जाता है, खाता है, सो जाता है, फिर सुबह को उठता है और फिर ये कमाई के लिए जाता है, फिर थका हारा आता है, खाता है, फिर सो जाता है, इसको कहते होटल। कहते अपने घरों को होटल मत बनाओ, अपने घरों को, अपने घरों को होटल मत बनाओ, हमारा घर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती का घर है, हमारा घर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती का घर है, इसको नबी वाले आमाल से आबाद करना चाहिए। ये हमारे इस वक्त के घर के जो मसाइल है, घरों में बेचैनी है, बदअमनी है, घरों में औलाद हाथों से निकलती जा रही है, मियाँ बीवी का दिल एक नहीं हो रहा, ये सारे मसाइल, ये नई बीमारियाँ, कैसी कैसी बीमारियाँ, इसका नाम तुम्हारे बाप दादा ने सुना नहीं होगा, ऐसी बीमारी आएगी जिसका नाम तुम्हारे बाप दादा ने नहीं सुना होगा, ऐसी बीमारियाँ, दंगिया, कमा कमा के आदमी थक रहा है, दंगिया, कर्जे सर से जाते नहीं है, दिन ब दिन आदमी कर्जदार बनता जाता, कर्जदार बनता जाता है, और फिर कर्जे कर्जे कर्जों कर्जों के लिए फिर आदमी जो है सूखता रास्ता इख्तियार करता है, ये लोन ले लो, ये लोन ले लो, ये रास्ता, और इनके परेशानी का इलाज बीवी से ही होगा, परेशानी का इलाज, परेशानी का इलाज बीवी से हरगिज नहीं होगा। अगर हमने परेशानी को दूर करने के लिए बेदीनी का रास्ता इख्तियार किया, अल्लाह के हुक्म को तोड़ा, तो कहते वक्ती तौर पर नजर आएगा फिर कर्जा सर पर से हट गया, लेकिन परेशानी बढ़ चढ़ कर आएगी। कहते हैं अपनी परेशानी को दूर करने के लिए, परेशानी को दूर करने के लिए
अल्लाह के हुक्म को तोड़ना ऐसा है जैसे आग में पेट्रोल ना गया तो आग कौन बनती थी, बुझेगी थोड़ी और बनती, परेशानियां बनती। फिर आदमी हुक्मों को तोड़ता है, नमाजों को छोड़ता है, दीन के तकाजों को कुर्बान करता है और फिर कहते फिर हालात आते हैं, फिर हालात, और फिर आदमी, फिर आदमी जो है ना हुक्मों को तोड़ता है और पता नहीं क्या क्या करता है, लोन का चक्कर, ये चक्कर, वो चक्कर, फिर कहते फिर हालात, ये चक्कर चलता है। हालात आए और अल्लाह के हुक्मों को तोड़ा, वक्ती तौर पर मसला हल होना नजर आ जाता है लेकिन मसला हल नहीं होता है, वो तो आग में आपने पेट्रोल डाला है, क्या करा, आग में पेट्रोल डाला, अब आग और बढ़ती है, चक्कर चलता है मौत तक, यहाँ तक कि आदमी की सकरात का होता जाता है, चक्कर चला। इसलिए इसमें कहावत है ना, राउंड को एंड नहीं होता है, राउंड एंड राउंड इसको एंड नहीं होता है, ये हमारे चक्कर चलता है और ये होते होते सकरात का वक्त आ जाता है। अब जिसकी कुरान ने खबर दी है वो हालात अपने सामने देखता है, अब कहते हैं जो मौला वापस कर दे, मौला वापस कर दे, इसलिए मेरे भाइयों अल्लाह ने काम दिया है, काम में जोड़ा है, काम में लगाया है, तो हम इन फिक्रों के साथ चले, अपनी जात का भी फिक्र, अपने अपने घरों का भी फिक्र, अपनी जात का फिक्र, अपना हिसाब खुद करें। मुहासिबा कहते हैं ना, मुहासिबा आमाल का भी है और मुहासिबा अहवाल का भी है, अहवाल का भी मुहासिबा करें, कैसे कैसे मुझे लगा है आमाल का और अहवाल का। देखो सहाबी ना झंझला अहवाल का मुहासिबा इसको कहते हैं, हंजला रजी अल्लाह ताला बोले उनको हुजूर की मजलिस से, मजलिस से आए बी बच्चों में आए और मजाक और बातों में कैफियत बदल गई, इसको अहवाल कहते हैं, कैफियत बदल गई, फौरन नौकर ना हो गए और फिर नौकर ना होकर मैं तो मुनाफिक, हंजला मुनाफिक हो गया, हंजला मुनाफिक हो गया, ये अहवाल का मुहासिबा है, इसका मुहासिबा अपनी जात का मुहासिबा, हम हिसाब किताब खुद करें, उसे किसी को नहीं देखना, किसी की जिंदगी नहीं देखना, किसी के अहवाल और किसी के अमाल को नहीं देखना, हम अपनी जात के जिम्मेदार है, अपनी जात का, अपनी जात के जिम्मेदार है, इसे बुझाना थोड़ा मेरे दोस्तों फिक्र से अपनी जात का मुहासिबा करना चाहिए, अमाल का और अहवाल का मुहासिबा करना चाहिए, मेरी नमाजों का क्या हाल है, आपकी खुद करें, मेरी नमाजी का तकबीर ओला के साथ हो रही है, कहते हम काम करने वालों के लिए तकबीर ओला के साथ नमाज पढ़ना तहज्जुद से भी ज्यादा जरूरी है, हालांकि तहज्जुद के बगैर हमारा काम तो अधूरा है, अधूरा अधूरा, कुछ हाथ नहीं आता, मगर ये आहे सहर गाही के कुछ हाथ नहीं आता, तो हमारा तहज्जुद से ज्यादा जरूरी है तकबीर ओला के साथ नमाज पढ़ो, उनकी तरतीब को सही करें, हम काम में इसीलिए लगे हैं, उनकी तरतीब को सही करो, अजान हुई अब बातें बातें बातें, अजान हुई फिर भी मोबाइल नहीं छोड़ते, बिगाड़ कहाँ तक पहुंच चुका है, कफरत कहाँ तक चली गई, अजान हो रही है, अजान बातें बंदी होती, हमारे मौलाना अब्दुल गनी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे अजान के मौके पर जो बातें करते रहते हैं इनकी जबान कलमा पढ़ने के लिए लड़खड़ाएगी, कलमा पढ़ने के लिए जबान लड़खड़ाएगी अजान के मौके पर बातें करते, इसलिए अजान के मौके पर अजान हुई अब कोई काम नहीं, सेना की बात करना और पता नहीं ना, ये सारी बुरी आदतें हैं, ये सारी बीमारियां हैं, इससे हमें अपने आप को अच्छा बनाना चाहिए, इसका इलाज करना चाहिए, अजान हो रही और खामोश, अजान का जवाब दो, जितना सवाल अजान देने वाले को मिलेगा इतना इंशाअल्लाह नहीं मिलेगा, अजान का जवाब देना चाहिए, अजान के मौके पर बातें मत करो, अजान के मौके पर भी मोबाइल हमारे हाथों से नहीं छूटता है, नहीं मेरे दोस्तों
हमारे अंदर सुधार आना चाहिए, सुधार हम काम में इसीलिए लगेंगे, सुधार आना चाहिए। और हमें पहली सत में आके बैठ जाना चाहिए, पहली सत तब यह जान हुई, अभी 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 अजान हुई, तो अजान काय के लिए हुई है, जल्दी आ जाओ मस्जिद में पहली सत, पहली सत पहली सत में आ जाओ। ये तो सुन्नत गैर मौकेदार है, तो सुन्नत गैर मौकेदार छोड़ने के लिए है, छोड़ने के लिए कि ना हमारा हम पहली सत में अल्लाह तो भी दे मौका है, हम सुन्नत गैर मौकेदार भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और हम अपने आप को दुआओं के अंदर लगाएंगे कि आदत आ रहे सुधार जिंदगी में आवे, हम काम में इस तरह की दुआओं के अंदर अपने आप को दुआओं में लगाओ। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से फरमाया अजान को इकामत के दरमियान अल्लाह से मांगा करो, ये वक्त ऐसा है मेरे भाइयों कहते इसमें दुआ लौटा ही नहीं जाती, ये दुआ वापस नहीं आती, डायरेक्ट चली जाती है, अजान और इकामत के दरमियान की दुआ एकदम डायरेक्ट चली जाती है, वापस नहीं लौटा ही नहीं जाती है। अजान तो अल्लाह के नबी ने कहा कि अल्लाह से मांगो, तो सहाबा सहाबा थे उनके सियाने भी अल्लाह क्या मांगे, तो हुजूर ने फरमाया आफियत मांगो, अल्लाह से आफियत मांगो, दुनिया आखिरत की आफियत मांगो, दुनिया आखिरत की आफियत मांगो। इसलिए मसरूर दुआ है اللهم اني اسالك العفو والعافيه والمعافاه في الدنيا والاخره، اللہ سے مانگو۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں عافیت کے معنی تین چیزیں ہیں، عافیت کے عافیت کے معنی کیا ہے، عافیت کے معنی تین چیزیں ہیں، آسان روزی، آسان روزی، آسان روزی، عافیت کے معنی آسان، ऐसे अमल की तौफीक जो अल्लाह के वहां कबूल हो जाए, ऐसे अमल की तौफीक अल्लाह दे जो अल्लाह के वहां को मकबूल अमल, मकबूल अमल की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आफियत के माने है उसे हम अपनी आदतों में सुधार ला रहे हैं, ये अमल है, इससे इंशाल्लाह हमारी जिंदगी में, जिंदगी हमारी संवरी की, हमारी जिंदगी में निखार आएगा, जिंदगी सवरी की इंशाल्लाह, मसाइल हमारे हल होगी इंशाल्लाह, मसाइल रोजिया अल्लाह आसान कसम खुदा के अल्लाह तआला रोजिया आसान रोजिया का फरमाएंगे, हमारे हर मसले को अल्लाह से हल कराओ, कर्जे हैं तो कर्जे के लिए अल्लाह के नबी ने दुआएं बताई, अल्लाह से मांगे, अल्लाह से मांगो, सलातुल हाजत है, दुआ है, अल्लाह से हल करा दो। अमाल हमारे मसाइल का अमाल है, हमारे मसाइल का हल, हमारे मसाइल का हल अमाल है, अपने आप को दुआ वाला पैगंबर, अपने हर काम को दुआ के जरिए हल करा, अल्लाह से हल करा, अल्लाह से ऐसे दुआ मांगे जैसा अल्लाह से बात करते हो, ऐसा अल्लाह से बात करते अल्लाह ये अल्लाह ये मसला है, अल्लाह ये मसला है, अल्लाह तू कर दे, अल्लाह तू तू नहीं करेगा तो कौन करेगा, तेरे से हमारा कौन है मौला, अल्लाह से वो ईद वाले औकात में बता इधर उधर इधर उधर की बातें करने के करने के काम है अपने आप को इसमें लगाए, और ये उम्मत ने जिंदा करने की फिक्र करे, इसे घर घर की मुलाकात है, घर घर की मुलाकात नबियों वाली मेहनत है, नबियों वाली मेहनत, घर घर की जाओ घरों में बैठो बैठो और बैठकर पूरी बात करना, पूरी बात करना, इसी घर की कोई कमजोरी नजर आ गई तो इसका तस्करे मत करो, इसके तस्करे मत करो, हाँ घरों घर घर की मुलाकात, घरों में अमाल के जिंदा करने की फिक्र, अल्लाह करे अमाल हर घर में जिंदा हो जाए, हर घर में जिंदा हो जाए, हर घर जन्नत का नमूना बन जाए, हर घर जन्नत का नमूना बन जाए, हर घर सही मानों में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मती का घर बन जाए, ये हर घर इसे घर घर की मुलाकात है, इसे कहते हैं ना ये मस्जिद जमा के अमाल का मुद्दा, इसका मुद्दा ये है मस्जिद मस्जिद नबी के नमूने पर आ जाए, मस्जिद मस्जिद नबी के नमूने पर आ जाए, बस्ती मदीना पाक के नमूने पर आ जाए, ये हर इसका मुद्दा इसका ऐन मस्जिद जमा, इसको मामूली मत समझो, अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा अमल किया है, ऐसे माहौल में मेरे दोस्तों हमारी मसाइल का हल भी है और हमारी हमारे हमारी परेशानियों का इलाज भी है, दिलों का सुकून भी है,
ہماری اولاد کی تربیت کا اس میں نظام ہے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بچوں کے ماحول کو پڑھنا کھلائیں گے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے جیسے اللہ تعالیٰ موسم کو آنند فانند پڑھتا کھلا دے، ایسے اللہ تعالیٰ بچوں کے ماحول کو پڑھتا کھلائے گا۔ اس کا تسلسل صاحب کرنا، چھوڑ پکڑ نہیں، چلا لگا کر آئے پتہ نہیں وہ بات تہذیب بھی کرنا، چلا لگا کر آئے ہماری ترقی ہونی چاہیے۔ میں نے کہا ایسے ہماری نماز تکبیر ہونا کے ساتھ ذکر کا اہتمام ہونا چاہیے، ذکر کا اہتمام، اللہ کی یاد کے ساتھ زندگی کو گزارنا ذکر کا اہتمام ہے۔ اسی لیے رابعہ بسیجا سے پوچھا، رابعہ شیطان کو برا کہنا کیسا ہے؟ اور مجھے اللہ کے ذکر سے اتنی فرصت دی ہے کہ میں شیطان کو برا کروں، کتنا ذکر کرتی ہوں، ذکر اپنی زندگی میں پاوے، ذکر کا اہتمام پابندی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ اپنا وقت طے کریں کہ اس وقت میں اللہ کا ذکر کرنا ہے، اپنا نظام بنا رہے۔ پھر بندہ ذکر کے لیے وقت طے کرتا ہے، یہ وقت میں اللہ کا ذکر کروں گا۔ جو وقت آتا ہے نا، وقت جو آتا ہے اللہ تعالیٰ انتظار کرتے ہیں کہ میرا بندہ میری یاد کرے گا، میرا ذکر کرے گا۔ قرآن کی تلاوت کا اپنی زندگی کے اندر رہا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کی، یہ سارے عمل اپنی یاد سے کرنا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کہہ رہے ہیں ان شاء اللہ، یہ کیا کریں گے؟ الحمدللہ بہت سارے ہمارے احترام ہے، ہماری ذمہ داری اپنی بھی ہے، اپنے گھر کی بھی ہے، اپنی بستی کی بھی ہے، اور ہماری بستی کے احترام تو جتنے ہمارے مسلمان بھائی ہے، یہ ایک ایک گھر کی ذمہ داری ہماری ہے۔ بلکہ جو ایسے مکانات ہیں جہاں دو گھر ہیں، پانچ گھر ہیں، دس گھر ہیں، یہ زیادہ مستحق ہے ہم ان کی فکر کریں گے، ان کی محنت کا نظام بنائیں گے۔ ایسا ہی ایک گھر ہے، ابھی ایک گھر نہیں ہے، اس کی قیامت تک کی نسلیں ہی اس میں، قیامت تک کی نسلیں ایک ایک مسلمان تک پہنچنا، ایک ایک مسلمان تک پہنچنا، یہ باطن کی محنت ہے۔ آپ سب مانو، ہمیں نہیں معلوم ہمارا بھائی کہاں رہتا ہے، انہیں سب پتا ہے کہ کون کہاں رہتا ہے، اور باقاعدہ پہنچتے ہیں ان کے پاس، پہنچتے جیسے ایک ایک بھائی کی فکر کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک ایک مسلمان ساتوں زمین اور ساتوں آسمان سے زیادہ قیمتی ہے، ان کے گھرانے کا کیا، ان کے بچوں کا کیا میرے دوستوں، اسی ایک ایک گھر، اس کے لیے جھونک کی محنت کا نظام ہے، جھونک کی محنت کہ ہم انشاءاللہ ایسے جو مسلمان دو گھر، پانچ گھر، دس گھر، بند، ان کو اگر ماحول نہیں ملا ہے، انہوں نے کبھی اذان نہیں سنی ہے، اذان نہیں سنی، انہوں نے اللہ کا نام نہیں سنا ہے، ان کے کان پر آخرت کا کوئی تذکرہ نہیں آیا، ایسے مسلمان ہماری مسجد کے اطراف پر بیٹھتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہماری ہے، ہماری ذمہ داری ہے، اس کے جھوٹ کی محنت ہے کہ ایسے دیہاتوں میں جانا، کشمکش علاقوں میں، مولانا سب کہتے ہیں ایسے دیہاتوں میں محنت کرنے سے صفات بہت جلدی آتے ہیں، بہت جلدی صفات، ایسے دیہاتوں کے اندر محنت کرنا صفات بہت جلدی ان شاء اللہ، امت کا غم اور امت کا درد ان شاء اللہ بہت جلدی نصیب ہو جائے گا، راتوں کا رونا ان شاء اللہ نصیب ہو جائے گا، اللہ کا تعلق نصیب ہو جائے گا، یہ جوہر کی محنت ہے میرے بھائی۔ اس لیے جوہر کی محنت کا تقاضا ہے، اور جوہر کی جماعتیں بنے گی، کب بنے گی؟ 3 نومبر سے ان شاء اللہ جوہر کی جماعتیں جائے گی، کتنے دن لے گی؟ فلش کے لیے بہت تیار ہے، جوہر کی جماعت بہت تیار ہے، تو آپ جلدی 3 نومبر سے ان شاء اللہ جائیں گے، اپنے بھائیوں سے ملیں گے، ان کے ایمان، ان کے اسلام کی ان شاء اللہ خیر خبر لیں گے ان شاء اللہ۔ بتاؤ بہت تیار ہے، 3 نومبر تو پورا اکتوبر کا مہینہ ہے، سر اس لیے کھڑے نہیں ہو رہے، ان کو دیوالی نظر آتی ہے، سیزن نظر آتی ہے، لیکن ہماری نظر اللہ پر، رزاق اللہ کی ذات ہے، روزی کا دروازہ اللہ کے عرض کے سامنے کھلا ہے، نہ دن میں بند ہوتا نہ رات میں بند ہوتا، اللہ اپنے خزانوں سے دیں گے، بہت دیں گے، بہت دیا ہے اللہ پاک نے۔ ہم دیکھو ایسے ایسے ہوا روزی میں نیا ہم کھلا رہے، اب اجارا 20 سجا رات کو کھانا گرم ہے،
खिलाते थे, वो रोज रोज खिलाते थे। तो कैसे लाते थे? इमाम जैसे डाले इनके मदद से, कहते 100 घर और एक जगह तो 500 भी लिखा है, 500 घर के चूल्हे जलते थे, यानी एक बस्ती हो गई, वही बस्ती 500 घर रोजाना इनकी मदद से चूल्हे जलते थे। वो लेने वालों को पता नहीं कौन दे जा रहा, वो तो इनका इंतकाल हुआ तो 100 घर या 500 घर के चूल्हे बुझ गए, तो पता चला इनके इनके इनका इनका इनके घर के चूल्हे इनकी मदद से जलते थे। अल्लाह देखे इंशाअल्लाह, अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं, जो अल्लाह ताला जुगाड़ियों को देते सफरियों को देते अल्लाह आपको नहीं देंगे, इंशाल्लाह देंगे, अल्लाह देंगे, बहुत देंगे अल्लाह पाक, बरकतों के साथ देंगे इंशाअल्लाह, हमें इतना थकना भी नहीं पड़ेगा, अल्लाह इतना देंगे इंशाअल्लाह, इसे डरो मत, अल्लाह ताला देंगे इंशाअल्लाह। इसे नियत करनी चाहिए कि इंशाअल्लाह हम भी इंशाअल्लाह कौम की जमात में जाएंगे और अपने भाइयों की मुलाकात करेंगे। किसी एक को एक का कलमा सही करा दिया, एक का कलमा, एक का कलमा, तो इंशाल्लाह हमारी कितनी बड़ी आखिरत की कमाल हो जाएगी, हमें साकार नहीं, एक का कलमा सही करा दिया, एक का मुसल सही करा दिया, हमारी आखिरत की कितनी बड़ी कमाल बन जाएगी। एक आदमी को क्योंकि जोर की जवाब चल रही थी हमारी, और एक नौजवान की मुलाकात करी, नौजवान मुलाकात पाया तो अजीब भाव था इसका, उसे चट्टा पहना था, जर्सी पहनी थी, गले में भी कुछ था, इसके हाथ में भी कुछ था, और जब करीब आया तो पता चला इसके मुंह से कुछ बदबू आ रही थी। खैर पूरी बात कही इससे, नफरत नहीं, मासी से नफरत हो, आसी से नहीं, गुना से नफरत है, गुनेगार से नफरत ही करे, और पूरी बात करी, पूरी बात करी, तो मालूम हुआ कि ये 27 पारी का हाफिज है, 27 पारी का हाफिज, ऐसे ऐसे हीरे हाथ लगेंगे, ऊपर कान है, पता नहीं कैसे कैसे हीरे हैं, इसी इसकी जरा भाई आप नियत करो, इरादे करो, डरो मत, अल्लाह बहुत देंगे, बहुत देंगे अल्लाह पाक इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। और कौन करेगा बोलो, जो अपना कौन जाएगा, कोई एक तो हिम्मत करो तो इंशाल्लाह आगे गाड़ी चलेगी। हैं कौन, क्या नाम, फारूक भाई ट्रेलर, और कौन जाएगा, और ज्यादा करो, हम तो अल्लाह के खजाने से लेने वाले हैं, अल्लाह से लेना मखलूक को देना, अल्लाह से लेना और मखलूक को देना, अल्लाह से मिलेगा खूब मिलेगा, इतना थकने की जरूरत नहीं, अल्लाह बहुत देगी इंशाल्लाह। और बताओ भाई, देखो फारूक भाई भी है और ये भाई भी है, अब अमीर का मसला अल्लाह ने हल कर दिया, इसके लिए इसकी जमात बनाओ माशाल्लाह, जोन की जमात करेंगे इंशाल्लाह भाई, घर में मामला में से कहो ये भी घर में दुआएं करें, ठीक फिर उसे अल्लाह सब सीधा मोहम्मद वाला कि अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा, खताया से दरगुजर फरमा, हम इकरारी मुजरिम है मौला, आपके दर के माफी के भिखारी है, आपका दर छोड़कर कहाँ जाए मौला, जावे तो कहाँ जावे, मांगे तो किससे मांगे मौला, ए करीमा का हमारे और पूरी उम्मत के सारे गुनाहों को माफ फरमा दे, माफ फरमा दे, हमारी और उम्मत के ईमान की आमाल की इज्जत की आबरू की अखलाक की माशरे की मौला पूरी पूरी हिफाजत शर्मा, मौला पूरी पूरी हिफाजत शर्मा, मौला अपने भजन से अपने कर्म से हमारी दुआ को कबूल शर्मा, असर करता होता खैर कर गई मोहम्मद।